स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हिंदुस्तान की बेटी में, और मैं रहूंगी आपके साथ लुबना महराज। दोस्तों, हर दिन जो है हम इस प्रोग्राम में आपको किसी ऐसी महिला से रूबरू कराते हैं जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। एक प्राउड फीलिंग आती है जब उनका नाम ही लेते हैं, और आज हम ऐसी महिला से रूबरू कराएंगे आपको जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया है और जो बच्चों के हवाले से भी काफी काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रीति उपाध्याय जी की। प्रीति उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम, आपसे शुरुआत में आपकी जात के हवाले से जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप और जो सोशल वर्क इस काम की ओर कब आपने रुख किया? लुबना जी, बेसिकली मेरा करियर अगर आप देखें तो बैंकिंग में रहा है। हम प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, और बस हाल फिलहाल 2 साल हुए जब हमने बैंकिंग को एक तरह से अलविदा कहकर और पूरी तरह से उस काम में लग गए जो बैंकिंग के दिनों में भी कुछ हद तक हमें हमारी रुचि थी और जिसकी तरफ हमारा झुकाव था, तो हम किसी तरह करने की कोशिश करते थे। तो अब हम अपने आप को पूरी तरह से, एक तो परिवार, बच्चे भी हैं छोटे, तो घर परिवार को समर्पित करने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं ऐसे मुद्दों को उठाने का, और इसके लिए सोशल मीडिया के पावर का पूरा यूज करते हैं, जो जिसमें जागरण, कुछ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता होती है। और हाल फिलहाल आप जिसका जिक्र कर रही थी कि स्कूल में जो फीस प्राइवेट स्कूल स्पेशली माफ करने को तैयार ही नहीं थे, पूरे इंडिया में ही जो मामला हुआ वो हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में उस मामले को वहां पर हमने याचिका दायर की, और उसका रिजल्ट ये हुआ है, केस तो अभी भी चल रहा है, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि ज्यादातर स्कूल ने फीस कुछ हद तक कम तो किया है। ओके मैम, आज जो आप शुरुआत में ही फरमा रही थी कि मैंने जो अपने करियर की शुरुआत की बैंकिंग बैंक में आप काम करती थी, तो कितना डिफरेंस रहा होगा आपके बैंक के एक्सपीरियंस को लेकर और आपके सोशल वर्क को लेकर? देखिए, बैंकिंग भी एक तरह से जनसेवा है, हम इसे हमेशा कहते हैं, और खास करके हम जिस तरह की बैंकिंग करते आए, जिसमें लास्ट के कुछ दिनों के लिए हम पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड थे जैसे, तो अंडमान निकोबार आइलैंड का वो छोटा सा जो एक शहर है, बेहद खूबसूरत शहर, वहां 2 साल हमने बिताए, और वो सुनामी के तुरंत बाद हम वहां गए थे। तो सुनामी से जो तहस नहस पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हुआ था वहां पर, उसके बाद बैंकिंग सेवा को सुचारू रूप से जारी रखना एक बेहद जरूरी काम था, और उस वक्त वहां पे कोई जाना नहीं चाह रहा था, और जो वहां पर ऑलरेडी वहां के लोग इंडिया को मेनलैंड कहते हैं बाय द वे, तो मेनलैंड वाले जो पोस्टेड थे वहां, वो वहां से वापस ट्रांसफर लेना चाह रहे थे। ऐसे समय में जब हम वहां गए, और ये अच्छा भी बहुत एक्सपीरियंस उस समय रहा, क्योंकि उस वक्त करीब करीब जितने बड़े एनजीओज हैं वो वहां पर वहां पहुंचे हुए थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हम सभी एनजीओ से संपर्क में सबसे पहले इस तरह से आए कि उन सबका खाता हमारे बैंक में, हमारे ब्रांच में खोला जा रहा था, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग की आवश्यकता थी। उस वक्त कोर बैंकिंग फैसिलिटी, हम बात कर रहे हैं 2005 की, 2005 के पोर्ट ब्लेयर में कोर बैंकिंग फैसिलिटी हमारे बैंक ने प्रोवाइड किया था उस समय, और उस वक्त वो बहुत सहूलियत मिली जो सभी एनजीओ को, तो सभी के संपर्क में आए, और चूंकि वीकेंड में एक खाली समय मिलता था, तो इन सब एनजीओ के साथ मिल करके हमने बहुत से काम किए। कुछ एनजीओ वहां पर, जैसे कि उस वक्त 5-6 महीने बाद भी लोगों के पास कपड़े और कंबल के सप्लाई से लेकर के खानों का भी, खाना पीने का भी सप्लाई हो रहा था वहां पर, जो घर उजड़ गए थे वो घर बनाने का काम चल रहा था, वहां जो अनाथ हो गए थे बच्चे उन्हें अडॉप्ट किया जा रहा था। और हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे एक बहुत अच्छा पहल वहां पर, जिनसे हम साथ में जुड़ करके काम करने का मौका मिला, उसमें कुछ बड़े एनजीओ के साथ साथ राहुल बोस जी जो है मूवी, बॉलीवुड मूवी के बड़े स्टार, उन्हों उन वो चैरिटेबल वर्क बहुत करते हैं, और
उनकी चैरिटी का भी वहां पर काम चल रहा था, तो उन सबके साथ मिल करके जुड़ करके उन्हें बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही उनका जो फील्ड में काम होता था इन सब एनजीओ का, वो उनके साथ जाना और संडेज को स्पेशली वक्त ऐसे ही बीतता था, तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। मैम नो डाउट महिलाओं के लिए आपने काफी काम किया है, और जहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, चाहे डिबेट हो, कोई भी डिबेट हो, कहीं पे भी हो, तो आप पीछे नहीं होती है। हमने बहुत सारे डिबेट्स भी आपके देखे जहाँ पे आप विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात कर रही हैं, तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस देख रही हैं आप जो महिलाओं को, जिनको फेस करना पड़ता है सोसाइटी में? कि सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस आते हैं, हमने एक चीज महसूस किया है कि अपने परिवार से सबसे पहले वो चैलेंजेस आते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, उनके एडुकेशन को लेके बात करते हैं, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक बैंकर होने के नाते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को शायद हम ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, इसलिए हम उसकी हमेशा वकालत करते हैं। और अपने सर्कल में भी जब भी मौका पड़ता है, किटी पार्टीज में भी जैसे हम एक स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइटी रहते हैं, तो वहां हम इस बारे में बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है, तो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होना भी जरूरी है, और एक अपना सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आप कुछ भी करें, आप होम मेकर हो तो भी एक इंडिपेंडेंट, वो किसी भी अमाउंट का हो पर आपका एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम बेहद जरूरी है। और महिलाओं को हम उसके लिए प्रेरित करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिसमें उनकी रुचि हो, जिससे वो कुछ ना कुछ अपना एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम बना सके। और जो महिलाएं अपने नाम पर प्रॉपर्टी लेने के बारे में भी विचार करें, तो ये विचार रहता है। बाकी एडुकेशन, एडुकेशन मुझे लगता है ऐसा कि महिलाओं का एडुकेशन, और सही मायने में एडुकेशन, सिर्फ लिटरेट होना नहीं, सही मायने में एडुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल मैम, और जैसा हम पहले देखते थे जितनी एजुकेशन लेवल पहले कम थी महिलाओं में, तो अभी जो हम रेट देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंक्रीज हम देख रहे हैं, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है कहीं ना कहीं अब महिलाओं में हम देखते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करा देते हैं, जो अभी सोसाइटी का सपोर्ट हमें मिल रहा है। मैम कितना चैलेंजिंग रहा होगा या कौन कौन सी चुनौतियां होंगी जो प्रीति मैम को फेस करनी पड़ी हो जब आप बैंकिंग को छोड़कर अभी आप सोशल वर्क में आई होंगी, तो कुछ ऐसी चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े हों? आप एक इसमें पहले हम आपका बात जोड़ेंगे, जो आपने एडुकेशन का बात कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का एडुकेशन इस फील्ड में बहुत हद तक काफी काफी सुधार है, अभी भी सुधार का स्कोप बहुत है, लेकिन पहले की अपेक्षा कंपेयर करें तो ऑब्वियसली सुधार दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि महिलाएं एडुकेटेड तो है परंतु उस तरह से एम्प्लॉयड नहीं है। एडुकेटेड होने के बावजूद वो होम मेकर बनना पसंद करती हैं ज्यादा, या फिर परिस्थितियां परिवार की ऐसी रहती हैं कि वो स्पेशली शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद वो होम मेकर के रोल में ही रहना खुद भी प्रेफर करती है, परिवार का भी प्रेशर, परिवार का भी प्रेशर रहता है दूसरे तरह का। तो एडुकेशन जो है वो उसका यूटिलाइजेशन भी पूरी तरह से, इस बारे में भी बात करते आए हैं हम लोग कि इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूशन होता है जब महिलाएं भी काम करती हैं, और बहुत जरूरी है कि अगर आप परिवार बढ़ा रही हैं तो भी अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम रखें। मेरे पर्सनल चैलेंजेस अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, चाहे बैंकिंग डेज हो या अब भी जो फेस करते हैं, उसमें अधिकतर यही होता है कि आप कई जगह ऐसे जाते हैं जहां पर आप अकेली विमेन होते हैं। लुकना जी, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी वर्किंग फील्ड में आते हैं ये बिल्कुल कॉमन है। इतनी महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसके बावजूद हमने बैंकिंग में देखा है ऐसे जगह पर मीटिंग में बैठे होते हैं जहां पर कोई 20-25 मेन होते हैं और हम अकेले विमेन होते हैं हुआ करते थे, या अभी आप बात करें तो किसी भी पैनल डिस्कशन में शायद बहुत कम महिलाएं होती हैं, किसी भी डिबेट की जो आपने जिक्र किया, तो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा है तब तो फिर भी महिलाएं आती है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स अगर होता है किसी तरह का, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महिलाओं का एंगेजमेंट बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तभी असल में महिला हित की बातें होंगी। तो उसमें भी जी लुबना जी, इसमें भी महिलाओं का उस पैनल में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो बहुत कम रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि हम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी हम काम कर रहे हैं अभी, तो उस इस फील्ड में महिलाओं के लिए ऑलमोस्ट
बिल्कुल जगह नहीं है, इसे यहाँ पर अपना जगह बनाना पड़ रहा है और अभी पैर जमाने की कोशिश हो रही है। जी मैम, यू बीइंग ये एंटरप्रेन्योर, आपकी क्या मैसेज रहेगी ऐसी महिलाओं को जिनमें शायद ऐसा पोटेंशियल है कि वो अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि उनको जॉब्स मिले, वो खुद का भी एंटरप्रेन्योर कोई या कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी ऐसी महिलाओं के लिए जिनके पास नो डाउट स्किल्स तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है वो लैक करती है? एग्जैक्टली आपने लुबना जी बिल्कुल करेक्ट बात बोल दिया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसके साथ ये भी आपको बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहे वो अचीव कर सकती है। दिक्कत आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्हें खुद को अपने ऊपर विश्वास जो होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए वो एक बार जब आ जाता है तभी देखिए हिंड्रेंसेस ब्लॉक्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। रुकावटें सबके जीवन में हैं। आज हम पुरुष वर्ग की बात करें तो उनके जीवन में जो रुकावटें हैं आगे बढ़ने के लिए वो दूसरे तरह की है, मगर उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो हम महिलाओं को अपने चैलेंजेस को समझते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति जिस दिन हम करेंगे और कॉन्फिडेंस जब आगे निकलेंगे आप, जब आप दुनिया से भिड़ने के लिए बाहर निकल जाएंगी तो वो जैसे जैसे आप फेस करोगे सिचुएशन को और हर एक चैलेंज को ओवरकम करेंगे, आप जीतेंगी जब, तब वो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले वो एक इच्छा शक्ति और अपने ऊपर विश्वास बनाना होगा कि मुझे, मैं कर सकती हूँ और मुझे करना है। ये दो चीजें हर महिला को मेरा मैसेज है और हर महिला चाहे जो करना चाहे वो अचीव कर सकती है। मैं ऐसा कहीं ना कहीं ये भी बोलेंगे दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट वेरी शेल, जिस शेल में हम हैं कि हम बाहर नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं हमें उस शेल से बाहर निकलने की जरूरत है। प्रीति मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये तो थी हमारे साथ हमारी हिंदुस्तान की बेटी जो ना सिर्फ अभी सोसाइटी में मिसाल है बल्कि पूरा हिंदुस्तान प्राउड फील कर रहा है। आप देखते रहिए टीवी सेवन न्यूज, ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनको लेकर हिंदुस्तान पूरा प्राउड फील कर रहा है। हमें दुआओं में याद रखिए और हमें इजाजत है, अल्लाह निगेबान।